गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे फिजिक्स के अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम के बारे में, जो हमारी फर्स्ट इकाई है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने हमारे पिछली कक्षा में पढ़ा कि पाठ्यक्रम क्या होता है तथा पाठ्यक्रम के क्या जो पाठ्यक्रम है उसका क्या महत्व होता है, यानी कि हमने ये जाना कि जो पाठ्यक्रम है वह क्या होता है, साथ ही पाठ्यक्रम की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है तथा इससे शिक्षक और छात्रों को क्या महत्व होता है उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि जो पाठ्यक्रम है बच्चों के लिए या फिर शिक्षक के लिए या फिर
जो उद्देश्य निर्धारित किए गए होते हैं उस कक्षा स्तर के लिए उनकी प्राप्ति वह आसानी से कर सके। फिर हमारे इसी में दूसरा पॉइंट आता है लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन। अब देखिए जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो प्रत्येक कक्षा स्तर का जो है पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। हमने देखा कि जो पाठ्यक्रम है उसकी तुलना दौड़ के मैदान से की गई है जिसमें विद्यार्थी जो है दौड़ पूरी करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। तो जब विद्यार्थी पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से पढ़ लेता है या उस पाठ्यक्रम की जो दौड़ है उसे पूरा कर लेता है तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो पाठ्यक्रम है वह लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन होता है। अब देखिए प्रत्येक कक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह उसके कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। अर्थात जो माध्यमिक कक्षा स्तर का जो पाठ्यक्रम होगा वह माध्यमिक कक्षा स्तर के बालकों को तथा उनके मानसिक योग्यता और कक्षा स्तर को ध्यान में रखकर के बनाया जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि उच्च स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए भौतिक विज्ञान जो है उसके लिए एक अलग से बुक दी जाती है तथा उसका जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण उनके उच्च माध्यमिक स्तर के हिसाब से ही रखा जाता है। तो उनके जो लक्ष्य होते हैं वो पाठ्यक्रम के द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं कि उन्हें इस स्तर पर कितना ज्ञान प्राप्त करना है तथा कितना शिक्षण उन्हें इस विषय के अंतर्गत प्राप्त करना है। अब जब हम बात करते हैं हमारे भौतिक विज्ञान की तो हम जानते हैं कि जो हमारा भौतिक विज्ञान है उसमें हम सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ में प्रायोगिक ज्ञान को भी बल देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम कक्षा 10वीं या 9वीं में होते हैं तो भौतिक विज्ञान का कुछ पाठ जो होता है वह हमारे पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत दिया जाता है। तो हमारी जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें रसायन विज्ञान भी सम्मिलित होता है, जीव विज्ञान भी सम्मिलित होता है, वनस्पति विज्ञान भी सम्मिलित होता है, सामान्य विज्ञान भी सम्मिलित होता है और भौतिक विज्ञान भी सम्मिलित होता है। लेकिन जब हम उच्च माध्यमिक कक्षा में जाते हैं तो हमारी भौतिक विज्ञान की जो पुस्तक होती है उसको है एक अलग ही यानी कि अलग विषय के रूप में हमें मिलती है क्योंकि उसका स्तर जो होता है वह बढ़ जाता है तथा जो उसके लक्ष्य होते हैं उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब कक्षा 11वीं या 12वीं में हम आते हैं तो हमारे भौतिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वह बहुत ही चेंज होता है। तो देखिए पाठ्यक्रम के निर्माण के द्वारा यह भी बताया जाता है कि किस कक्षा स्तर के विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है तथा कितना पढ़ना है और उनके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है इस चीज के बारे में भी उन्हें बताया जाता है। तो देखिए पाठ्यक्रम में ये दिखाई दर्शाया जाता है तथा शिक्षक का यह मार्गदर्शन किया जाता है कि उन्हें इस कक्षा स्तर पर विद्यार्थियों को कितना शिक्षण उन्हें प्रदान करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसकी सहायता से जो है विद्यार्थियों के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उन्हें प्राप्त करने का इसे एक साधन माना गया है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है संपूर्ण विद्यालय वातावरण पाठ्यक्रम। अब देखिए पाठ्यक्रम का अंतर्गत जो है हम केवल किताबी ज्ञान को ना लेते हुए जो विद्यालय का वातावरण होता है उसे भी सम्मिलित करते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ में बाहरी ज्ञान को भी पाठ्यक्रम में ही सम्मिलित किया जाता है क्योंकि जब विद्यार्थी स्वयं किसी चीज को अनुभव करता है या फिर करके सीखता है तो उससे उसे नए अनुभव प्राप्त होते हैं जिससे कि उसे अपने पाठ्यक्रम को समझने में और भी आसानी होती है। अब जैसे कि हम बात करते हैं हमारे भौतिक विज्ञान की तो देखिए इसमें हमारा टॉपिक है संपूर्ण विद्यालय वातावरण पाठ्यक्रम। अब देखिए जब हम विद्यालय में होते हैं तो विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया जो कि हमारे पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत प्रदर्शित की जाती है। अब आपने देखा होगा कि विद्यालय स्तर पर कई बार विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाता है या फिर विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसके अलावा विज्ञान से संबंधित नए नए शोध करवाए जाते हैं या प्रायोगिक कार्य करवाए जाते हैं। तो ये सभी जो है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित होती है यानी कि विद्यालय में किताबी ज्ञान के साथ साथ जो अन्य क्रियाएं करवाई जाती है वह भी हमारे पाठ्यक्रम में निहित होती है जिससे विद्यार्थियों को जो है अनुभव मिलता है तथा उन्हें करके सीखने में भी सहायता मिलती है। तो देखिए पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है तो उसके अंतर्गत
पढ़ने और पढ़ाने में आसानी मिलती है। तो देखिए पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता में हमने पाया कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसके अंतर्गत जो है अनुभवों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति जो है आसानी से की जा सके। साथ ही में पाठ्यक्रम की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी जिससे कि प्रत्येक कक्षा स्तर के जो है लक्ष्यों का निर्धारण किया जा सके तथा वह उनके उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से साधने के लिए जो है एक साधन का प्रयोग करता है। फिर हमने पाया कि पाठ्यक्रम में केवल किताबी ज्ञान या सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं अपितु विद्यालय की समस्त प्रक्रियाएं भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत निहित की जाती है। अर्थात किताबी ज्ञान में कक्षा के अंतर्गत जो विद्यार्थियों को ज्ञान करता है। तो देखिए हमने पाया कि पाठ्यक्रम निर्माण की हमें क्यों आवश्यकता
वह उद्देश्यों